लगे रहते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अगर हम टेल को देखें तो इसकी टेल जो है वो लंबी होती है, अंदर से बीच में से खोखली होती है और सिर के द्वारा गर्दन से नेक से जुड़ी रहती है। कॉलर वाले पार्ट में अटैचमेंट होता है हेड एंड नेक का। प्रोटीन शीथ जो है टेल की वो इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा प्रोटीन शीथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की भी होती है और ये जैसे शॉकर्स होते हैं उसमें स्प्रिंग के जैसे काम करती है। जब इसकी आगे फंक्शनिंग हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जब ये बैक्टीरियोफेज होस्ट की सेल की सरफेस पर आता है तो इसके स्प्रिंग के जैसे होने से, इसके प्रेशर पड़ने से ये जो है इसके अंदर होस्ट सेल के अंदर इस जेनेटिक मटेरियल या डीएनए के इंजेक्शन में हेल्प करती है। तो ये आउटर टेल के चारों तरफ वाली प्रोटीन शीट है। टेल के एंड मोस्ट वाले पार्ट में ये है एंड प्लेट। एंड प्लेट ये एक हेक्सागोनल प्लेट है। इसलिए
लंबाई, शेप और साइज में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है बिटवीन डिफरेंट फेजेस।